हिंदू की शर्त है ना मुसलमान की शर्त है, ना मैं हुसैन लेने में इंसान की शर्त है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शिया इमाम हुसैन का नाम ले सकते हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं, बल्कि हर वो इंसान इमाम हुसैन को चाहता है, मानता है, अकीदत में ऐसे पेश आता है कि जिसके दिल में एक इंसान बसता है, जिसके दिल में एक इंसान बसता है। आइए हजरात, पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। अंजुमन जाफरिया अदीम नागपुर जलालपुर जो बारगाह इमाम मज़लूम में खराज अकीदत पेश करने जा रही है, मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया में अंजुमन जाफरिया कदीम जलालपुर खराज अकीदत पेश करने जा रही है। आप हजरात समाप्त फरमाएँ, उनके साहबियात से गुजारिश है कि बराए करम अपने मातमी दस्ते को लेकर अज़ा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन जाफरिया जलालपुर, अभी शेर पढ़ रहे थे, घर पुराना मेरे हुसैन का है और तुम जिसे आसमां समझते हो, ये शामियाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। मगर एक मिसरा थोड़ा सा जब अब पढ़ना तो उसको बदल के पढ़ना मेरे भाई, कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, आपने पढ़ा ये ज़माना मेरे हुसैन का है, मगर आप जो मौलाई कहते हैं वो कहते हैं दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। ना कल भी यजीदियत का चिराग जला था, ना आज यजीदियत का चिराग जलेगा, जब तक ये इमाम बारगाहें खानकाहें, जब तक इमाम बारगाहें मौजूद हैं, जब तक हिंदुस्तान में खानकाहें मौजूद हैं, जब तक कि न कल हुसैनियत का आलम झुका था, ना आज हुसैनियत का आलम झुका है, ना कल हुसैनियत का आलम झुकेगा। हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी, हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है, हुसैनियत कल भी जिंदाबाद रहेगी। ये 72 पंजों का आलम जिसको देख कर आप रुके, उसके लिए 6 मिसरे पढ़ रहा हूं अता जलालपुरी साहब के, कि खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, लहराता रहा शाह के इनकार का परचम, खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, लहराता रहा शाह के इनकार का परचम, ऊंचा ही रहा अजमत और किरदार का परचम, झुक सकता नहीं शह के आलमदार का परचम, इस परचमे अब्बास में पंजा जो लगा है, इस पंजे ने बैत का गला घूर दिया, इस परचमे अब्बास में पंजा जो लगा है, इस पंजे ने बैत, इस परचमे अब्बास में पंजा, या अंजुमन जाफरिया कदीम नागपुर जलालपुर। समा फरमाए अंजुमन जाफरिया कदीम नागपुर जलालपुर, जो अपने कलाम के ज़रिए से, अपने अशार के ज़रिए से, अपने नोहे के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में जानी और पहचानी जाती है, तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके मेम्बरान, उनके साहबियात इस्तकबाल करें। समा फरमाए Yes, sir.
Thank you.
अंजुमन जाफरिया कदीम नकपुर जलालपुर बारगाह मज़लूम में खराज अकीदत पेश कर रही है। इसके फौरन ही बाद हमारी मकामी अंजुमन अंजुमन असगरिया ताज खानपुर उनके मेम्बरान से गुजारिश है कि वह तशरीफ ले आएँ। ये आखिरी खराज अकीदत है अंजुमन जाफरिया कदीम नकपुर जलालपुर की जानिब से। उसके बाद में अंजुमन असगरिया ताज खानपुर उनके मेम्बरान से गुजारिश है कि वर्दा खाने में तशरीफ ले आएँ। और उनके फौरन ही बाद अंजुमन कमर बनी हाशिम गोला बारी अमहट सुल्तानपुर। Mama।
دیدار کی خوشبو شل ہے پر پرواز
तुम्हारी शान है शामे Thank you.
मौला तमाम मातमदारों को सलामत रखे।